अस्सलाम वालेकुम, ये आड़ू है मेरे पास पीच, ये उसको मैंने इसी तरह छिलके के साथ लिया। और ये तो 3 से 4 छोटे वाले आड़ू हैं और इनका हम जूस बना रहे हैं। साथ में शीरा है और मेरे पास साफ पानी है, ये पीने का ठंडा चिल वाटर। और ये हम तकरीबन आपको ये तकरीबन 2 से 3 ग्लास छोटे वाले इससे बन ही जाएंगे। अभी मैं इसमें शीरा नहीं ऐड कर रही, पहले पानी के साथ ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा शीरा ऐड कर रही हूँ, बस इतना कि पी आ जाए। इसमें ऐड कर दिया, अब हम इसमें चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। अच्छा इससे से स्ट्रेन करें ताकि इसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ ना रहे कि आप पुठस्ता वगैरह लग जाए गले में, तो ये इस तरह स्ट्रेन हो जाएगा। आप इसमें चाहे नमक काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें कोई वाइट सोडा वगैरह जैसे 7 अप वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन बहुत मीठा होता है और फ़ायदा नहीं है फिर फ्रेश जूस पीने का, तो मैं वो यूज़ नहीं करूँगी। अच्छे नहीं, ग्लासों में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरा फ्रेश पीच का जूस बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। बुज़ुर्गों को सलाम, बच्चों को प्यार।